मसीह के के में आप सबको मेरा सलाम मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खातल होशाना टी वी के संग जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खातन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह मसी की जिंदगी का प्रचार तो अजीजों आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उनवान है रोज़ा हम रोजा क्यों रखते हैं इसका मकसद क्या होता है रोजा है क्या आज हम इसी उन्वान के बारे में सीखेंगे तो इस उनवान को सीखने के लिए मैं आज की मेहमान को स्टूडियोज में वेलकम करती हूँ मिसेज नायला काशिप वेलकम टू तो आर स्टूडियो अजीज हम बकायदा तौर पर दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मैं चाहूँगी कि मिसेज नायला आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें कदो सिंदा स्वानी बाप लश करूँ के खुदा तू तो मेहरबान खुदा है तू तो जो नखाए तरह मोरतारस से भरा खुदा है तू जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है खुदावंत आज इस जगह पर इकट्ठा होना आपके कलाम का प्रचार करना आपकी मर्जी के मुताबिक हो और खुदावंत इस सारे होल्ड को मैं तेरे जख्मी कवि खतों में दे देती हूँ खुदावंत तेरी बेटी को तेरे बेटों को और खुदावंत जितने लोग आज का कलाम सुने खुदांद वो तीस नहीं साठ नहीं बल्कि सौ गुना फहलाएँ खुदावंत जितने लोग इस चैनल पर खुदावंत तेरे कलाम को सुने खुदावंत वो बरकत पर बरकत पाए उनके घराने उनके कबीले बरकत पा जाए और खुदावंत आपका आसमान उन लोगों पर हमेशा खुला रहे और खुदावंद इस चैनल पर खुदावंद इसी तरह खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम का प्रचार करें और ये लोग बासत बरकत पाए जिनके वसीला आज जितने लोग कलाम सुनते हैं प्यार खुदावंद इनके लिए आसमान के दरीचे खोल कर अपना मान बरसा अपनी बरकतों से माला माल कर प्यारे खुदावन जब हम के एक प्रोग्राम को शुरू करने में है खुदावन तो हमारी सहायता करना हमारी मदद करना खुदा मंदाज हम ना बोले बल्कि आपका पाखरू बोले और जब तक तेरी खादम तेरे मसवा पर रहे तेरा आसमान खुला रहे तेरा जलाहा हाज बढ़ा रहे और खुदा मतलब लफ्जों की ترتیب देना अपना जलाल सर करना छूना बड़ी बरकत देना मसीह यशु के नाम से आमेन तो अजीजों आइए देखते हैं कि पवित्र मुकद्दस हमें आज रोजे के बारे में क्या बताती है तो आप सब मेरे साथ मिलकर कलाम-ए-मुकद्दस खोलिए हम देखेंगे मुकद्दस मती रसूल की انجیل उसके 6 बाब की 16 से लेकर 18 आयत और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि बाप जो पोशिकी में है तुझे रोजादार जाने इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशिकी में देखता है तुझे बदला देगा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाबर हो तेरा शुक्र तो अजीजों मुकदस में रोजे के बारे में पढ़ा बाइबल मुकदस हमें बताती है कि हमें किस तरह का रोजा रखना चाहिए हमें ऐसा रोजा रखना चाहिए कि हमारा खुदा जो पोशीक में है वो हमें रोजादार जाने न कि हम ऐसा रोजा रखें कि लोगों को बताएं कि आज हमने रोजा रखा है हमें रोज़े का प्रचार नहीं करना आइए अजीजों अपनी आज की मेहमान से रोजे के मतलब मजीद सीखते हैं तो so, मिसेज नाइला हमें बताइए रोजे के बारे में खुदावंत के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम मैं खुदावंत के कलाम में मुकद्दस में से बयान करूंगी रोज़े के बारे में तलीम मत्तीस का छः बाप उसकी तेरह और चौदह आय खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना जर पा चुके बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे दिखता है वो तुझे रोजा दर जाने इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में दिखता है तुझे बतला देगा रोज़ा रखने का मतलब है अपने खुदा से बातचीत करना हमारी हर मुश्किल का हल रोज़ा है और रोजा रख कर जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हम अपने खुदा के साथ मुहाफित हो जाते हैं अपने खुदा के साथ बात करते हैं और अपने खुदा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और रोजा रख कर जब हम अपने खुदा के कदमों में आते हैं तो मेरे अजीजों मेरा ईमान है खुदा आसमान खोलने की कुदरत रखता है बिल्कुल, बिल्कुल वो बेशक सब कुछ करने में कादर है वो बड़े बड़े काम करता है और जब वो कहता है कि तुम रोजा रखो तो राहकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना करो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो अपने आप को खुदा के ताबिया करो क्योंकि उसने अपनी शबी पर इंसान को बनाया है और जब हम अपने चेहरे पर खुशहाली को लाएंगे अपने आप को रोजादार नहीं जानेंगे ना कि लोग हमें कहें कि तूने रोजा रखा है बल्कि हमारा खुदा जो पुशीदगी में दिखता है वो हमें जाने के हम रोजादार हैं रोजा रखने का मतलब है अपने खुदा के साथ वाकफियत कर लेना और रोजा रखने का मतलब है अपना आप उस के हाथों में सौंप देना और वो कहता है जब तू रोजा रखे अपना मुंह धो अपने सर में तेल डाल और अपने आप को पस्त कर अपने आप को छोटा कर अपने आप को सलेंडर कर और जब मेरे अजीज़ों मेरे बहनों मेरे भाइयों हम रोज़ा रख कर खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं हम अपने आप को अपने पेरेंट्स को जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत अहम है जब हम उनकी इज्जत करते हैं जब अपने घर वालों से अच्छा बर्ताव करते हैं जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं अच्छा करते हैं तो फिर हमारा जो पोषिदगी में खुदा दिखता है वो हमें बर का था, उसी ने तो हम लोग भी उसी के हैं और हमें चाहिए अपना आप ना के इस तरह करें कि हमें अब जकड़े बल्कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक करें ताकि हमारा यूर का खुदा हमें जाने के हम रोजादार हैं हम अपने पूरे तौर से अपने आप को खुदा के ताबिया कर दें और अपने आप के लिए ऐसा काम करें जो हमारे खुदा को पसंद हो ना कि रोजा करके सोए ना रोजा रख के उदास हो जाए बल्कि अपना टाइम अपने खुदा को दें और पूरा टाइम अपने के आगे रख दें और खुदा को कह के, के खुदावन आज मेरे साथ बोलने को है आज मेरे साथ बात करने को है और खुदावन मुझे मैं तुझे पुकारती हूं और तू मुझे जवाब दे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम अपने के आगे फर्जी रोजे नहीं बल्कि मकसद का रोजा है और खुदावन के आगे जब हम मकसद रखते हैं फिर वो जानता है कि मेरे बच्चे किन चीजों के मथाज है हाले। वो करने की कुदरत रखता है वो आसमान और शमीन का खालिक और मालिक है उसने मौत पर कबर पर फतेह पाई है और वो फतेहवंद खुदावंद है और हम उस खुदा को मानने वाले हैं उसके आगे रोजा रख कर बैठने वाले हैं जो अब्दल अबाद है और वो जिंदा है वो हमारे साथ है और उसने इंसान को अपनी छवि पर बनाया है वो हर वक्त हमें देखता है और खुश होता है वो इसीलिए कहता है कि अपने आप को इस तरह परफेक्ट रखो ताकि आपका खुदा जो चाहता है वो आपसे पाए आप एक मसे में आ जाए रोजा रख के अपने आप को उसके ताबिया कर दें और रोजा रख कर काम करें नेकी पर रहें तो फिर आपको खुदा अजर अता करेगा फिर आपकी अनोला को आपके बच्चों को आपके कबीलों को आपके घरानों को और आपके पेरेंट्स को हर चीज को वो बरकत पर बरकत देता जाएगा और वो मल्टीप्लाई करेगा जब हम उसके साथ रबा रखेंगे फिर वो हमारे साथ रबता रखेगा जब आप मेरे अजीजों रोजा रखते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक आप अपने खुदा किताब रहें अपने मुँह को धोइए अपने आप को अपने बिस्तर पर बैठ या जिस जगह पर भी बैठ कर आप दुआ करते हैं पूरे तौर पर अपने खुदा के सामने आ जाए और अपने सर में तेल डाले अपने आप को छोटा कर दें और अपने रखा है।, है, कि है।, है लेकिन वो सुनता है वो कहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे और मैं इन्हें दूं क्योंकि वो यह हवा है वो मुहैया करने वाला खुदा है और वह मोज का खुदा है रोजा रखने का मतलब है अपने खुदा की हजूरी में आ जाना रोजा रखने का मतलब है उसको अपनी जिंदगी में ले लेना और रोजा रखने का मतलब है उससे रफाकत कर लेना बिल्कुल मैम हमें ये बताइए कि कुछ लोग हैं जब वो रोजा रखते हैं तो वो अपना वक्त नींद में गुजारते हैं या टीवी देखते रहते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं कि उनका ध्यान बाकी कामों की तरफ नहीं होता वो अपने आप को बड़े आराम में जो है कहते हैं कि आज मैंने रोजा रखा है तो मैं कोई काम नहीं करूंगा तो बेसिकली रोजा रख कर क्या काम करने चाहिए? इस तरह जो लोग करते हैं वो बेफायदा रोजा रखते हैं बिल्कुल। भूख प्यास का रोजा नहीं है ये दुनिया के दिखावे का रोजा नहीं है बल्कि रोजा रखने का मतलब है अपने खुदा के पास आ जाना अपनी जिंदगी में अच्छे काम करना अपने पेरेंट्स की इज्जत करना और फिर वही बात आ गई कि रोजा रखने का मतलब है अपने आप को छोटा कर देना और अपने आप को उसके ताबे कर देना अगर हम रोजा रख कर सोते हैं अपने खुदा को टाइम नहीं देते तो मेरे अज़ीज़ों, फिर वो दुनिया और राह कारों की तरह है बिल्कुल बिल्कुल हमें इस तरह का रोजा रखना चाहिए जो हमारे खुदा को पसंद आए जो हमारे खुदा हमें अजर अता करे और वो इस तरह नहीं आदमी नहीं बल्कि हमारा पोषिंदगी का खुदा हमें फिर बदला दे खुदावन जो कहता है वो हमें करना चाहिए ना कि रोज़ा रख के हम अपने आप को सुस्त बना लें ना कि हम ये कहें कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं थक जाऊँगा मुझे रोज़ा लगेगा ये गैर कौमों की इमानत है उसके हाथों में अपने खाते देते हैं तो मेरे अजीजों फिर हम बरकतों से मालामाल हो जाते हैं जब हम रोज़ा रख कर अपने घर में अपने पेरेंट्स की खिदमत करते हैं और मेरे अजीजों खिदमत अपने घर से शुरू होती है और रोज़ा रख कर जब हम उसके आगे झुकते हैं फिर हमारा पोशीदगी का खुदा हमें बदला देने की कुदरत रखता है बिल्कुल बिल्कुल मैम आपकी इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद